चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया और कल ही स्वीकार कर लिया गया। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद विपक्षी दल हमलावर हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में अभी सामने आई नहीं है, लेकिन विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव घोषणा से ठीक पहले निर्वाचन आयुक्त को पद छोड़ना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि एक एक करके स्वतंत्र संस्थाओं का नाश किया जा रहा है, इसे रोका नहीं गया तो लोकशाही के ऊपर तानाशाही को स्थापित कर दिया जाएगा। ये आपको हम दिखा रहे हैं, विपक्ष हमलावर है किस तरह से। चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हुआ और किसने क्या कहा है किस तरह से, वो आपको हम ये भी दिखा रहे हैं। चलिए जरा ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ इस पर आपको अपडेट कर देते हैं, डिटेल्स दे देते हैं। चुनाव आयोग की स्तुति क्या है, अब देखिए जरा। चुनाव आयुक्त नंबर एक अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड 21 फरवरी 2024 को, रिक्त ये पद है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये बीच में विराजमान है। अब इस तरफ से जरा नजर डालिए, चुनाव आयुक्त नंबर टू अरुण गोयल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कल यानी 9 मार्च 2024 को, ये पद भी रिक्त है। और उस तरफ भी देखिए, चुनाव आयुक्त एक अनूप चंद पांडे रिटायर्ड 21 फरवरी 2024 को, ये भी पद रिक्त है। यानी बाएं तरफ और दाहिने तरफ दोनों ही पद रिक्त हो चुके हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं राजीव कुमार, ये स्थिति है चुनाव आयोग की। अब इसीलिए विपक्ष जो है वो सवालों की बारिश कर रहा है, सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया अरुण गोयल ने, और इस्तीफा दिया और तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया। इसको लेकर विपक्षी दल, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत लेफ्ट के नेता, ममता बनर्जी, टीएमसी, सभी इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग की जो स्थिति है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयुक्त नंबर एक, अब जरा नजर डालीजिए, अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड हो गए हैं 21 फरवरी 2024 को, इसलिए हम ये पद दिखा रहे हैं कि रिक्त हो चुका है। ये तो हो गई चुनाव आयुक्त नंबर एक। अब जरा चुनाव आयुक्त दो पर देखिए, अरुण गोयल, इन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया, ये भी पद हो गया है रिक्त। बचे कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। सवालों की बारिश।